मुख्यमंत्री और प्रदेश की अखिलेश सरकार जो खुद को किसानों का हितैषी बताने से नहीं थक रही, लेकिन सरकार के लाख दावों के बावजूद किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। अगर ललितपुर की बात करें तो अधिकारियों की मनमानी के चलते यहां गरीब जनता, मजदूर, किसान भारी तरीके से परेशान है। आपको बता दें कि यहां की कोतवाली तालबेहट क्षेत्र के ग्राम भरतपुरा में ऐसा ही एक मामला उजागर हुआ है, जहां गरीब किसानों ने जल संस्थान के अधिकारियों और ठेकेदार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का आरोप है कि उनके खेत में जल संसाधन की गुंडागर्दी के बल पर जबरदस्ती खेत में पाइपलाइन डलवाई जा रही है। वहीं मना करने पर ठेकेदार के गुर्गे किसानों और उनकी महिलाओं से गाली गलौज कर उन्हें धमकी दे रहे हैं, जिसके बाद पीड़ित किसान इसकी शिकायत लेकर स्थानीय पुलिस और SDM तालबेहट से भी की है, और यहां तक कि पीड़ित ने न्याय की गुहार मंगल दिवस पर भी लगाई है, लेकिन कहीं भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिसके बाद पीड़ित परिवार और जल संस्थान आमने सामने आ गए हैं। उधर विवाद को बढ़ता देख पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और किसी तरह खुदाई रुकवाकर मामले को शांत करवाया। तो ललितपुर में जल संस्थान की गुंडागर्दी देखने को मिली है। खेत में जबरदस्ती पाइपलाइन डलवाने का आरोप है, जिसको लेकर पूरा गांव लामबंद हो गया है। कोतवाली तालबेहट जनपद ललितपुर का ये पूरा मामला है, जहां खेत में जबरदस्ती पाइपलाइन डलवाने का काम चल रहा है, जिसे लेकर अब किसानों ने नाराजगी जताई है। तो ललितपुर में जल संस्थान की गुंडागर्दी देखने को मिली है। खेत में जबरदस्ती पाइपलाइन डाली जा रही है, जिसे लेकर अब किसान गुस्से में हैं।